कार्बोरेटर बाइक है तो आपको ज़रूरी है कि आप कार्बोरेटर को ट्यून कर ले एग्जॉस्ट के हिसाब से, ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा एंड बहुत ज़्यादा कंबर्शन होगा एंड एयर भी बहुत ज़्यादा बाहर जाएगी, सो ऑब्वियसली भाई मेरा एयर फिल्टर जल्दी गंदा होगा। इंजन कंट्रोल यूनिट ये जो रहता है ना, ये भाई आपके बाइक का पूरा कंट्रोल करता है। एक और वीडियो के अपडेट देता हूँ, आगे जाके आपको एआर एग्जॉस्ट के वीडियो मिलने वाले हैं। शकील ने एक और एग्जॉस्ट लिया भाई, मैंने उससे मांगा है वो, एंड वो भी लगा के आपको साउंड चेक कराएंगे, एआर शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट। हेलो भाई लोग, आगे न्यू व्लॉग के साथ, एंड आज के वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तुम लोग समझ गए होगे सो आज का वीडियो किस बेसिस पर है। सो मैंने कर दिया भाई बाइक स्टार्ट और निकल चुका हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ भाई काम से। सो मैं कैमरा लेकर ही आ गया था, मैंने सोचा था भाई चलो तब जब जा ही रहे बाइक से इतना दूर काम को, मैंने बोला चलो आते आते एक फुटेज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो मैंने मेरा कैमरा अपग्रेड किया है, मैंने GoPro लिया है फाइनली एंड मैंने वो सेकंड हैंड लिया है। सो एक्चुअली मैं क्या होगा भाई, लास्ट वीडियो में मैं एक चीज़ भूल गया बताना, इंस्टा 360 का सेलिंग प्राइस। मैंने बाद में मेरे ध्यान में आया कि भाई इंस्टा 360 का सेलिंग प्राइस मैंने बताया ही नहीं। सो इंस्टा 360 का सेलिंग प्राइस 18,000, ठीक है। सो मैंने 18,000 में इंस्टा 360 अपना बेच दिया एंड अपना GoPro लिया 16,000 में। तो समझ सकते हो ऐसे तो डील अच्छी ही मिल गई मेरे को, एंड GoPro भी बहुत ही अच्छा है। बस सुलानजी केस एंड उसके साथ जो भी सेटअप के अभी सब चीज़ें हैं वो सब है नहीं है मेरे पास, जैसे माइक अडाप्टर एंड ये ऑल ओवर थिंग्स, सो जल्दी वो सब ऐड कर देंगे। एंड चलो भाई करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। पता नहीं क्यों तुम लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि अगर एग्जॉस्ट लगाओ तो इंजन ख़राब ही हो जाएगा, एंड ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते रहते हैं। इट्स ओके भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जॉस्ट लगाने से आपका इंजन ख़राब हो जाएगा। आपका अगर फ्यूल कार्बोरेटर बाइक है तो आपको ज़रूरी है कि आप कार्बोरेटर को ट्यून कर ले एग्जॉस्ट के हिसाब से, प्लस एयर फिल्टर चेंज कर ले, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड भाई दूसरी चीज़, आपके पास फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है तो ECU इंजन कंट्रोल यूनिट ये जो रहता है ना, ये भाई आपके बाइक का पूरा कंट्रोल करता है। सो ECU को आपको या तो ट्यून कराना पड़ेगा, या फिर मैं बताता हूँ आपको, आजकल के जितने भी बाइक्स आ रहे हैं, मतलब जितने भी BS6 या BS6 फेज 2 एंड जो जितने भी फ्यूल जिसमें ECU आते हैं, उनमें क्या रहता है, देखो अगर फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है तो वो फ्यूल और बढ़ा के डालता है, तो टेंशन नहीं है मतलब फ्यूल वगैरह का। कार्बोरेटर बाइक में ये सब दिक्कत होती थी, एंड फ्यूल इंजेक्टेड बाइक में ये दिक्कत नहीं रहती कि आपको ट्यून वगैरह कराना पड़ेगा। आपको पावर ट्यून कराना है तो वो सब करा सकते हो, पावर ट्रॉनिक वगैरह लगा सकते हो, वो सब छोड़ो, वो सब के चक्कर में मत पड़ो, इंजन को ज़्यादा हार्म होगा उससे मेरे हिसाब से। आपको अगर कराना ही है तो बस वैसे ही नॉर्मल चीज़ करो, उतने में क्या हो जाएगा भाई आपका काम भी निकल जाएगा। आपको बस आवाज़ चाहिए तो आवाज़ भी निकलेगी अच्छी खासी बाइक की। सोबत की एक बात, सब लोग एग्जॉस्ट लगा रहे तो तुमको भी लगाना है, ज़रूरी नहीं है ध्यान में रखो। फिर भी अगर शौक है हमारे जैसे एंड फिर भी अगर आप ठीक है चाहते हो तो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा किसी को भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग एग्जॉस्ट लगाओ, क्योंकि ये इलीगल चीज़ है। बस इस वजह से इसमें इससे गाड़ी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, बस आपके पॉकेट को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपका पॉकेट खाली भी हो सकता है पुलिस वाले ने धरा तो। अभी बताता हूँ आपको कि आपको फ्यूल इंजेक्टेड बाइक में करना क्या है। तो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक में आपको बस एयर फिल्टर टाइम से टाइम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो भाई आपको होगी दिक्कत। आपके गाड़ी के हिसाब से आप चेक कर लेना, आपके यूज़र मैनुअल में होगा, बाइक यूज़र मैनुअल उसमें लिखा होगा भाई कि आपको कितने किलोमीटर के बाद आपका एयर फिल्टर चेंज करना चाहिए, तो वो चेकआउट कर लेना। एंड समझो 10,000 किलोमीटर के बाद आपको चेंज करने बोला है तो आप 5 पर ही कर लेना, क्योंकि भाई आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा हवा सक करती है एग्जॉस्ट से हवा निकालने के टाइम, तो जितना ज़्यादा हवा सक करेगी उतना ज़्यादा एयर फिल्टर गंदा होगा। एंड आपको यकीन नहीं होगा तो भाई मेरे बाइक सर्विस वीडियो जाकर चेक करो, बाइक सर्विस एट होम, उसमें भाई मेरा एयर फिल्टर चेक कर सकते हो आप लोग कि 4,000 किलोमीटर में इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि भाई मेरे बाइक में एग्जॉस्ट लगा है, ऑब्वियसली ज़्यादा हवा अंदर जाएगी, ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा एंड बहुत ज़्यादा कंबर्शन होगा एंड एयर भी बहुत ज़्यादा बाहर जाएगी, सो ऑब्वियसली भाई मेरा एयर फिल्टर जल्दी गंदा होगा। तो ये ध्यान में रखो, एयर फिल्टर आपको टाइम से टाइम चेंज कराना है। ये नहीं कराओगे आपके बाइक को, यही देखो ज़्यादा कुछ नहीं, आपके बाइक का इंजन में तो मैं नहीं बोलूँगा भाई कुछ होगा, मेन आपके बाइक का माइलेज इतना ज़्यादा गिर जाएगा, सुपर बाइक के इतना माइलेज देने लगेगा, ऐसा हो जाएगा। तो देख लो आपको मेरे हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए भाई बाइक के कंडीशन पे, बाइक के हेल्थ पे। ऑब्वियसली आपकी बाइक है सो आप केयर करो। एंड मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि भाई देखो एग्जॉस्ट मैंने इतने दिन हो गए लगाए और अभी भी मैंने एग्जॉस्ट लगाया है, तो जाके एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा तो जाके वो भी चेकआउट कर लो। एंड मैं बीच बीच में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे एंड बहुत सारे कंटेंट ऐसे बनाए जो भाई आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, बट वो क्या होता है यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता कुछ ज़्यादा। सो आप लोग खुद भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो एंड पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच मेरे भाई, बस इतना ही बोलूँगा, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। अभी हम हैं भाई MG रोड, हम लोग जा रहे हैं भाई अभी कॉलेज, तो कॉलेज वगैरह का टूर वगैरह देखना होगा तो मेरे को बताना। फिलहाल एक्सपीरियंस की बात पे था मैं, एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताता हूँ, आपको बस मेंटेन अच्छे से रखनी पड़ेगी, आपको एग्जॉस्ट एक अच्छे कंडीशन से लगाना चाहिए एंड DB किलर वाला लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी जो मैंने लगाया यहाँ पर, ये देख लो, ये लगाया भाई
एग्रा पोविक का है, बस इसमें डीवी किलर नहीं है। जो मेरा था एग्रा पोविक का उसमें डीवी किलर था। सो ये दोनों एग्जॉस्ट चेकआउट कर सकते हो। ये है भाई मेरा एंड ये है भाई जो मैंने अभी बैठाया है। सो ये शकील भाई ने मेरा दिया था, मेरा एक दोस्त है उसने दिया था मुझे। सो उसने दिया तो मैं लगाया। एंड भाई एक और वीडियो की अपडेट देता हूँ, आगे जाके आपको AR एग्जॉस्ट के वीडियो मिलने वाले हैं। शकील ने एक और एग्जॉस्ट लिया एंड भाई मैंने उससे मांगा है वो, एंड वो भी लगा के आपको साउंड चेक कराएंगे AR शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट। सो होप करता हूँ उसके लिए वेट करोगे, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा भाई। शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट मैंने आज तक मेरे बाइक में लगाया नहीं है। सो देखने लायक रहेगा भाई कि कैसा रहता है शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट का साउंड। चलो यार जल्दी जल्दी चलो, यहाँ पे ट्रैफिक में अटक गया है मेरे को, कॉलेज जाने का है। एंड लिटरली आज मैं बाइक से चला गया काम पे, मैं बस से जाता हूँ, मैं बाइक लगा देता हूँ एक स्पॉट पे एंड मैं वहाँ से बस से जाता हूँ। क्योंकि देखो मेरा काम का लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है और मैं फ्यूल अपना देखो, जहाँ पे मैं 40 रुपये में जाके आ सकता हूँ तो मैं क्यों ज़्यादा फ्यूल खर्चा करूँ, मेरा 70-80 रुपये का फ्यूल ज़्यादा जाएगा। सो थोड़ा बचत भी करो, मैं जैसे करता हूँ, बचत करना ज़रूरी है भाई, नहीं तो बिक जाओगे भाई ये ब्लॉगिंग वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिक जाओगे, पूरा सच बोल रहा हूँ। एक चीज़ और बतानी भूल गया कि मेरा एक्सीडेंट भी होता है, एंड एक्सीडेंट जब होता है तो इंश्योरेंस क्लेम होता है, एंड इंश्योरेंस क्लेम में अगर आपका बाइक में एग्जॉस्ट लगा रहेगा तो भाई आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता, ये ध्यान में रखो। मेरा कैसे मिल गया वो जाके वीडियो ही चेकआउट करो, कि मैंने जैसे ही गाड़ी मेरी गिरी थी एंड एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होते ही सबसे पहले भाई मैं बाइक शोरूम पर ले जाने से पहले मैंने उसका एग्जॉस्ट चेंज कर दिया था, ताकि उनको ऐसा लगे ना कि बाइक का एग्जॉस्ट चेंज हुआ है। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ मैं पहुंचा, सबसे पहले भाई बाइक अपने घर पर लिया, घर पर जाने के बाद मैंने उसमें सबसे पहले अपना स्टॉक एग्जॉस्ट लगा लिया। सो देखो रिस्क मत लो, अगर आपके पास फोटो वगैरह है एंड उसमें अगर दिखता है कि एग्जॉस्ट लगाया, इंश्योरेंस वाले ने वो देख लिया, तो आपको इंश्योरेंस वाले भी नहीं देने वाले भाई क्लेम वगैरह, तो पूरा फालतू चला जाएगा आपका पैसा। तो ध्यान दो इन सब चीज़ों पे, अगर लगाना ही है फिर भी तो तुम्हारी इच्छा भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा और किसी को ये भी नहीं बोलूँगा कि मत लगाओ, अपनी अपनी चॉइस है, जैसे मेरी चॉइस है आप भी, आपकी भी चॉइस है भाई। हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सबको फ्रीडम है हर चीज़ की, सो आप भी कर सकते हो। एक्सीडेंट के जो मामले होते हैं तो उसमें इंश्योरेंस क्लेम में आपके बाइक का मॉडिफिकेशन भी देखा जाता है, सो हर चीज़ देखा जाता है। अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में पूरी चीज़ देखनी है, ठीक है, पूरी जानकारी लेनी है इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता है, क्या करना रहता है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप भाई मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाएगी। सो होप करता हूँ वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सो ज़रूर देखना भाई लोग। एंड जल्दी तुम्हारा भाई माइक अडैप्टर भी ले लेगा, सो माइक अडैप्टर लेने के बाद ये सारी वॉइस वगैरह की जो किलकिल रहती है ना, मेरी वायर अलग लटकती रहती है, वीडियो अलग रिकॉर्ड होती है एंड एडिटिंग अलग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें, सो ये सब झंझट एक ही बार में खत्म हो जाएगा। सो जल्दी इसे जल्दी मैं माइक अडैप्टर खरीद लूँगा भाई लोग, होप करता हूँ आपका सपोर्ट ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा तो भाई जल्दी कर लेंगे हम लोग। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता के रखे, बस एक भाई का कमेंट आया था इसलिए भाई मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि ये देखो ज़रूरी है यार, आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आप जो बोलते हैं वही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। एंड एट द एंड भाई एक ही चीज़ बोलूँगा, एग्जॉस्ट अपने मन से लगाओ, एग्जॉस्ट लगाने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपको बाइक को प्रॉपर मेंटेन सर्विसिंग एंड प्लस उसका एयर फिल्टर जो समझो 10,000 किलोमीटर पे चेंज होने वाला था वो 5,000 किलोमीटर पे चेंज कर देना। ये व्यू अप एंगल कैसा लग रहा है गोप्रो का, या फिर और भी ज़्यादा वाइड एंगल देखना आपको पसंद आएगा। सो मैं ट्राई करता हूँ, मुझे नहीं मालूम अब और ज़्यादा वाइड एंगल कैसे होगा, मेरे दोस्त को मालूम है, उसको पूछूंगा एंड भाई नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि ये सारा व्यू अप एंगल का अपना मसला खत्म हो जाए। ये लो भाई लास्ट में थोड़ा भगा देता हूँ तुम लोग के लिए, भाई तुम लोग मेरा वीडियो तरह हेडफोन लगा के एंजॉय किया करो, अब भाई मज़ा आने वाला है बहुत जल्दी ही, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे सीन करेंगे आप लोग तो मज़ा तो आएगा ही ऑब्वियसली। अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज, मेरे को असाइनमेंट लेने हैं भाई, असाइनमेंट मैंने लिया नहीं है, असाइनमेंट मेरे को फटाफट पूरे करने हैं, नहीं तो भाई मार्क्स अपने कट हो जाएंगे, तो भाई तुम्हारा भाई कैसे पढ़ेगा, आगे पढ़ने का अभी बहुत ज़्यादा। सो ये रहा भाई लोग मेरा कॉलेज, एंड कॉलेज का पूरा टूर तो अभी नहीं करा सकते, एंड आई थिंक आज स्कैम हो गया मेरे साथ भाई, मैं क्या ही बोलूँ शायद आज कॉलेज को छुट्टी है यार, मैं क्यों आ गया फालतू में लफड़ा, मैं सोचूं भाई यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा। सो ये रहा भाई अपना कॉलेज, एक सेकंड में दिखाता ही जाता हूँ। सो ये है भाई अपना कॉलेज, होप करता हूँ दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे वहाँ धुआं देख सकते हो भाई, वहाँ पे मैं लगाता हूँ अपनी बाइक। चलो ये है हमारा लाइब्रेरी, सो इसके अंदर हमारे कुछ क्लासेस होते हैं साइकोलॉजी वगैरह के, एंड ऊपर है हमारा पूरा ग्राउंड, कभी और चेक कराऊंगा भाई, अभी मैं थोड़ा अब जल्दी में हो गया भाई, अब मेरे को ऐसे कॉलेज नहीं जाना तो मैं कुछ काम कर लेता हूँ सबसे अच्छा, मेरा एक काम ऑलरेडी पेंडिंग है, सो फटाफट जाता हूँ एंड वक्त तो काम फटाफट कंप्लीट करता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई है, सो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा दिमाग में बैठा होगा, अगर कुछ भूल रहे हो तो वीडियो रिवर्स कर लो, फिर से जाकर चेक कर लो, ठीक से ध्यान से देखो मेरे अदर वीडियोस चेकआउट करो, एंड भाई लोग इस वीडियो के लिए लाइक एंड अपने भाई के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।